नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का ई सर्टिफिकेट और जीआरएफ अवार्ड लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आपको लाइव जो है इस वीडियो में हम डाउनलोड करके दिखाएंगे दोनों चीज, ई सर्टिफिकेट और अवार्ड लेटर दोनों ही डाउनलोड करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको नोटिस दिखा देते हैं जो यूजीसी नेट ने जो है जारी किया है। देख सकते हैं, जिन्होंने भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण की है वो अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और बता दें, सर्टिफिकेट अक्सर क्या होता है, सर्टिफिकेट जारी होने के कुछ समय बाद जो है वो हट जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है। अगर आपको उसका प्रिंट नहीं लेना है तो आप उसको सेव करके बाद में भी प्रिंट ले सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, बता दें सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला आपको पड़ेगा एप्लीकेशन नंबर, दूसरा आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ। साथ ही साथ ही जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को भी आपको एज इट इज जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। बता दिए सैंपल एप्लीकेशन नंबर है, ये नंबर आप लॉग इन करेंगे तो नहीं होगा, केवल आपको समझाने के उद्देश्य में जो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डाल दिया ये जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को डाल दिया। अब मैं लॉग इन यानी सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम लॉग इन होंगे, अब मैं बता दूं आपको कि मैं जो है दोनों में क्वालिफाइड हूँ, मतलब जिसका मैं चेक कर रहा हूँ, जिस कैंडिडेट का, उसका जो है दोनों में क्वालिफाइड है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है और जीआरएफ अवार्ड लेटर का भी आ रहा है। बता दें, अगर आप जो है दोनों में क्वालिफाइड नहीं होंगे तो आप में जो सिर्फ एक ऑप्शन आएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड का। अगर आप किसी में भी क्वालिफाइड नहीं होंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसलिए आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्लिक करते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ई सर्टिफिकेट का नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि रेफरेंस नंबर, सर्टिफाइड नाम, पिता का नाम, आपका जो एग्जाम था वो किस तारीख को हुआ था और आपका रिजल्ट किस तारीख को आया था। सर्टिफिकेट की इशू डेट आ जाएगी, बिल्कुल कलर में बहुत ही बढ़िया प्रिंट आउट आता है। आप उसको तुरंत ही यहाँ पे प्रिंट वाले बटन पे जाइए, उसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। अगर आपका कलर प्रिंटर है तो आप उसका तुरंत कलर प्रिंट ले लीजिए। एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको एक जो है ईमेल भी इसकी कॉपी जरूर रख लीजिएगा। वापस चलते हैं, बैक करते हैं, आपको जीआरएफ लेटर भी दिखाते हैं। तो देख सकते हैं, इस तरीके का जीआरएफ लेटर आपका जो है दिखाई देता है, इस तरीके से डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसका भी प्रिंट आप जरूर ले लीजिएगा। और आपको बता दें, इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारिजल्ट.com के सर्टिफाइड सेक्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।